आईसीसी में भारत की ताकत और बढ़ी है। बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन जुलाई 2014 से आईसीसी के चेयरमैन का कामकाज भी संभालेंगे। उन्हें ये जिम्मेदारी 2 साल के लिए दी गई है। आज सिंगापुर में हुई आईसीसी की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से होने वाली कमाई में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा हिस्सेदारी और अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आईसीसी की बैठक में फाइनेंशियल और गवर्नेंस के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में पाकिस्तान और श्रीलंका ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने अपना रुख बदलते हुए इन प्रस्तावों के पक्ष में वोट दिया।